मूवी के स्टार्ट में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर एक लेडीज एक घर के सामने कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। उस घर में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, और उस रिचुअल के दौरान उस घर का दरवाजा गलती से खुल जाता है और वो लेडीज जब चेक करने के लिए घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर जाते ही एक आत्मा उस लेडीज को मार देती है और छत पर लटका देती है। और जब ये सब कुछ गाँव वाले देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक कॉलेज को देखते हैं, वहाँ पर हमें सूही नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। सूही अपने दोस्त संयुक्त के साथ थी। उन दोनों ने अपने कॉलेज में 0.0 MHZ क्लब को ज्वाइन किया था और इस क्लब को बेसिकली सीनियर्स चलाते थे। और उनके टीम में टोटल 3 मेंबर्स है जिनमें से एक लड़की और 2 लड़के थे। यहाँ पर इस क्लब का लीडर टाइसो उन सबको एक वीडियो दिखाता है। वो उन लोगों को एक हॉन्टेड हाउस के बारे में बताता है, उसी हाउस को जिस हाउस को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। टाइसो यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि वहाँ पर एक लड़की ने खुद को मार लिया था और वो थोड़ी सी मेंटल भी थी और उस घर में कोई भी नहीं रहता था। वो घर गांव से थोड़ा दूर भी था इसीलिए वहाँ पर किसी को भी पता नहीं चला था कि एक लड़की ने खुद को मार लिया है। और जब उस लड़की को मरे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था तो उसकी बॉडी उसके सिर से अलग होकर नीचे गिर गई थी और उसका सर अभी भी लटका हुआ था। टाइसो रिचुअल के बारे में भी बताता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो वो लेडीज परफॉर्म कर रही थी। ये सभी अब डिसाइड करते हैं कि हम वहां उस घर में जाएंगे और एक्चुअल में उस घर में क्या हुआ था इस बात का पता लगाएंगे। ये सुनकर संग थोड़ा घबरा जाता है, उनके साथ जाने से मना भी कर देता है, लेकिन ये सभी उसकी बात नहीं मानते और अपना सामान पैक करके उस घर की तरफ निकल जाते हैं। ये सभी उस घर की तरफ जाते हुए एक शॉप पर रुकते हैं और वहां से कुछ चीजें खरीदने लगते हैं। इन लोगों की बातों को शॉप वाला सुन के समझ जाता है कि ये लोग उसी घर में जा रहे हैं। तभी शॉप का ओनर उन सभी को मना करता है कि तुम लोग उस हॉन्टेड हाउस में मत जाओ क्योंकि वहाँ पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है। लेकिन वो शॉप ओनर की बात भी नहीं मानते और अपनी अपनी चीज़ें लेकर उस घर तक पहुँच जाते हैं। अब उस घर तक पहुँचने के लिए इनको 5 मिनट का रास्ता पैदल चलकर निकालना था। और वहाँ पर जंगल में सूही को एक बूढ़ी लेडीज भी दिखती है और ये बूढ़ी लेडीज कौन थी ये बात आपको आगे चलकर पता चलेगी। इस घर में आने के बाद ये सभी इस घर की एक एक चीज को देख रहे थे, पर तभी उनकी टीम में से एक मेंबर जिसका नाम यून जंग था उसको एक टनल नजर आता है। यह टनल क्या था इसके बारे में भी आपको आगे जाकर ही पता चलेगा। ये सभी अब खाना खाते हैं और रात को अपना सारा सेटअप लगाते हैं। वह घर के चारों तरफ कैमरे मॉनिटर्स और मशीनें लगाते हैं। उस घर के आसपास और भी कुछ घर थे इसीलिए वहां पर भी कैमरे लगा देते हैं और ये सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि रात को हम सभी मिलकर मैजिक करेंगे जिसके जरिए आत्मा को बुलाया जा सकता है। ये सभी अब अपने टीम मेंबर्स में से किसी एक के ऊपर रिचुअल करेंगे और साथ ही साथ उसके माइंड में एक मीटर को भी फिट करेंगे जो लोगों के दिमाग की फ्रिक्वेंसी को मॉनिटर करता है। और अगर वो फ्रिक्वेंसी 0.0 MHZ हो जाती है इसका मतलब ये था कि वो बंदा कब्जे में आ गया है और इस काम के लिए यून जंग को सिलेक्ट करते हैं। अब यून जंग को लेटा कर उसके आसपास नमक का सर्कल बना देते हैं और दूसरी तरफ वो 2 डॉल्स लाते हैं, एक को फांसी पर लटकाते हैं और दूसरी को पानी में किसी जानवर के लीवर के साथ रख देते हैं। अभी अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और वो जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं यून जंग वहां तड़पने लगती है। अब वो जैसे ही उसको संभालने के लिए उसके पास जाते हैं तो यून जंग हंसने लगती है, मतलब कि वो इन सभी के मजे ले रही थी। लेकिन अब उसके मजाक की वजह से यहाँ पर गलती हो जाती है, जो नमक का सर्कल इन लोगों ने बनाया था वो एक जगह से हल्का सा मिट जाता है। अब ये सभी लोग वहां से चले जाते हैं लेकिन उनके क्लब का लीडर जो टाइसो उसके साथ ही रहता है। दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं जो थोड़ी घबराई हुई थी, वो दूसरे रूम में जाकर रेस्ट करने लगती है और वहां पर उसके पास सेंग भी आ जाता है। इधर इनकी टीम के 2 मेंबर्स कैमरे को ही देख रहे थे। अब यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि सोही को वहां पर एक आत्मा नजर आती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी हमें इनके ग्रुप का एक मेंबर दिखाया जाता है जो टॉयलेट करने के लिए बाहर गया था और वहां पर एक अजीब सा बर्ड को देखता है जिसकी आंखें पूरी रेड थी और उस बर्ड का पीछा करता है। वो बर्ड अब जाते जाते उसी टनल में चला जाता है और ये देख के वो लड़का वहां से बाहर आ जाता है और अपनी फ्रिक्वेंसी मीटर को देखता है। वो यून जंग के माइंड फ्रिक्वेंसी को देखता है जो बहुत तेजी से घट रही थी और बिल्कुल लो होते होते 0.0 MHZ हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जैसे कि हमें पता है कि 0.0 MHZ यानी कि यून जंग बिल्कुल पोजेस्ड हो गई थी। अब यून जंग को चेक करने के लिए वो कैमरे के अंदर जाने लगता है। तभी हमें यून जंग पोजेस नजर आती है। अब वो खुद ही रूम के बाहर आ जाती है और उसकी आंखें भी पूरी वाइट हो गई थी। अब ये लड़का जिसका नाम हैंसुक है,
यह बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी रूम में अंदर जाकर टाइसो को ये सब कुछ बताता है। अब ये सब यूनजोंग को ढूंढने लगते हैं। यूनजोंग को ढूंढते ढूंढते वो डॉल्स वाले कमरे में आ जाते हैं। तभी वो उन्हीं डॉल्स को देखते हैं जिनमें से एक डॉल का सर लटका हुआ था और बॉडी नीचे गिरी हुई थी। अब जल्दी से इनको यूनजोंग मिल तो जाती है, मगर वहाँ पर उस लड़के की आत्मा उसको अपनी तरफ खींच रही थी जिस टनल में वो बर्ड चला गया था। अब यहाँ पर ये दोनों यूनजोंग को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे निकाल नहीं पाते। ये सब देखकर सोही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अभी दोनों डिसाइड करते हैं कि ये सबसे पहले सोही को कार में छोड़कर आएंगे, इसके बाद वापस आके उस टनल के दूसरे रास्ते को ढूंढेंगे और उसमें हॉल करके यूनजोंग को बाहर निकाल लेंगे और हैन सारी फुटेज और वीडियोस को कार में जाके रख देगा। अब ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तब उनको एक अंडरग्राउंड टनल में से यूनजोंग के चीखने की आवाज़ आती है। वो बहुत मुश्किल से उस टनल को तोड़ते हैं और यूनजोंग को वहाँ से बाहर निकालते हैं। तब तक काफ़ी देर हो जाती है। वो टनल वाली घोस्ट पूरी तरह से यूनजोंग पर हावी हो चुकी थी। उसने पूरी तरह से यूनजोंग को अपने कब्जे में कर लिया था। ये लोग किसी भी तरह यूनजोंग को लेकर कार में पहुँचते हैं, पर तभी वहाँ पर हम कार में डरी हुई सोही को देखते हैं। सोही बोलती है कि हमें उन डॉल्स को जलाना होगा, अगर हमने वो नहीं किया तो वो आत्मा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। सोही की ये बात सुनने के बाद हैन को ये काम दिया जाता है, मगर हैन उन डॉल्स को नहीं जलाता और वहीं पर फेंक के आ जाता है और वापस आकर इन सबसे झूठ बोल देता है कि उसने डॉल्स को जला दिया। अब ये लोग वापस आने के बाद यूनजोंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। इनके क्लब का जो लीडर था टाइसो, वो यूनजोंग के साथ ही टाइम गुजारता है और बाकी लोग एक पास वाली होटल में चले जाते हैं। अब होटल जाने के बाद हैन का एक राज पता चलता है कि वो भी यूनजोंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन यूनजोंग टाइसो के साथ रिलेशनशिप में थी इसीलिए हैन बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो कैप्चर की हुई वीडियोस को देखता है और नशे की हालत में यूनजोंग को उल्टा सीधा कहता है। अब यहाँ पर हैन के पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बहुत अच्छे फुटेज थे और वो इसीलिए इन फुटेज को बेचने के बारे में सोचता है। फिर वो एक टीवी एंकर को कॉल करता है और उन फुटेज के बदले बहुत सारे पैसे मांगता है। इधर सेंग जो अपने रूम में सो रहा था उसके ऊपर एक छोटे बच्चे की आत्मा ने अटैक कर दिया। ये बच्चा कौन था ये हमें आगे जाके पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हैन टाइसो के पास जाता है और कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं यूनजोंग के साथ रहता हूँ। अब टाइसो के जाने के बाद हैन यूनजोंग को किस करता है और तभी यूनजोंग अपनी आंखें खोलती है और वो किस करते करते ही हैन को मार देती है। थोड़ी देर बाद यूनजोंग को होश आ जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो सभी होटल आ जाते हैं और होटल आने के बाद भी उनको हैन का कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद होटल के एक रूम में यूनजोंग और टाइसोक एक दूसरे के साथ होते हैं और तभी यूनजोंग टाइसोक के माइंड पर हावी हो जाती है और वो उसको एक पास्ट याद दिलाती है और तभी वो डिप्रेशन में अपनी कार लेके होटल से निकल जाता है और कार चलाते चलाते वो रो रहा था। काफ़ी सालों पहले टाइसो ने इसी तरह गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को मार दिया था और उसका पछतावा अभी भी उसके अंदर था। टाइसो के अंदर के गिल्ट को वो आत्मा ऑब्जर्व कर लेता है और उसके खिलाफ यूज़ करता है। टाइसो रोते रोते अपना कंट्रोल खो देता है और गाड़ी को एक जगह पर ठोक देता है और वहाँ पर टाइसो की भी मौत हो जाती है। अब टाइसो के मौत के बाद यूनजोंग सेन को अपना अगला शिकार बनाती है। वो सेन को कॉल करके अपने रूम में बुलाती है। उसके बाद वो सेन के सामने वही छोटा लड़का बनकर उसके सामने जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो छोटा लड़का सेन का बड़ा भाई था। कुछ सालों पहले जब वो छोटा था तब उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम सेन भी बहुत ज़्यादा छोटा था और बहुत ज़्यादा घबरा भी गया था, इसीलिए वह अपने भाई को बिना बचाए वहाँ से भाग जाता है और इसी वजह से उसके भाई की डेथ हो गई थी और वो आत्मा अब सेन को सुसाइड करने का कहती है। सेन को इस बात का इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि वो खुद को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसी टाइम सोही आ जाती है और उसको मरने से बचा लेती है। पर तभी हम देखते हैं कि यूनजोंग के अंदर की जो आत्मा थी वो उसकी बॉडी को छोड़ देती है और तभी उनके पास एक कॉल आता है और वो उनको बताता है कि स्विमिंग पूल के पास हैन की डेड बॉडी मिली है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे क्योंकि इन लोगों ने अपने दो दोस्तों को खो दिया था। अब यहाँ पर सोही ये डिसाइड करती है कि वो यूनजोंग के अंदर की आत्मा को बाहर निकाल लेगी और उसको हमेशा के लिए मार देगी, क्योंकि सोही के पेरेंट्स भूतों को भगाने का काम करते थे इसीलिए उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो एक आत्मा को मार सकती है। और वो यूनजोंग को दोबारा उसी घर में ले जाते हैं, फिर से वही पुराना सेटअप लगाकर अपना काम शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सोही का साथ देने के लिए वही ओल्ड लेडी आती है जो उसको पहले जंगल में नजर आई थी और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी सोही की
दादी थी जो आत्माओं की दुनिया से इंसानों की दुनिया में सोहे की हेल्प करने आई थी। अब ये लोग वापस से अपना रिचुअल परफॉर्म करते हैं और यून जोंग के अंदर दोबारा से वही आत्मा आ जाती है और वो आत्मा थोड़ी देर में अपने असली रूप में आ जाती है। अब ये सभी उस आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आत्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो सेन को अपने साथ उसी टनल में ले जाती है और तभी उसके हाथ में वही डॉल आ जाती है जिसको हैन ने जलाया नहीं था और वहीं पर फेंक दिया था। अब सेन जल्दी से उन डॉल्स को जला देता है और जैसे ही उन डॉल्स में आग लगती है वो आत्मा भी जलकर मर जाती है और सेन यू भी वहाँ से जिंदा बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बुरी बात ये थी कि यून जंग मर चुकी थी। उस आत्मा ने यून जंग की गर्दन तोड़कर उसे मार दिया था। लास्ट में सिर्फ सोही और सेन यू भी जिंदा बचे थे और अब ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोही और सेन मिलते हैं। सेन सोही को अपने नॉवेल के बारे में बताता है जो पब्लिश होने वाला था। तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाने के लिए बाहर जाता है। अब सोही सेन का नॉवेल पढ़ने के लिए लैपटॉप को ऑन करती है और तभी सोही को एक वीडियो मिलती है जब सेन उसी टनल में उस आत्मा के साथ था। वो उस वीडियो में देखती है कि उन डोर्स को जलाने से कुछ टाइम पहले ही सेन के अंदर वो आत्मा आ गई थी। इसका मतलब उन डोर्स को जलाने के बाद भी वो आत्मा ख़त्म नहीं हुई थी और वो इतने टाइम तक सेन के अंदर ही थी। और तभी हम देखते हैं कि सेन के अंदर की आत्मा सोही के कंधे पर हाथ रखती है और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।